तो चुनाव आयोग आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसके लिए आज 3 बजे चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के साथ साथ तेलंगाना के लिए भी चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है। इससे पहले चुनाव आयोग ने 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही थी, बाद में इसे 3 बजे के लिए टाला गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनके लिए तारीखों का ऐलान आज 3 बजे होंगे। वहीं चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम बदलने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। तो कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके सवाल उठाए हैं कि आखिर क्यों चुनाव आयोग की स्वतंत्रता इससे प्रभावित हो रही है, क्योंकि पहले 12:30 बजे का वक्त दिया गया और उसके बाद क्यों 3 बजे का वक्त टाला गया। दरअसल कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 बजे राजस्थान में आज एक रैली है, चुनावी रैली, जिसको लेकर के ही चुनाव आयोग ने ये वक्त टाला है। तो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। चुनाव आयोग 5 राज्यों में चुनाव को लेकर आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग दिल्ली में तारीखों का ऐलान करने वाला है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। दोपहर 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, मतगणना की तारीखों का ऐलान होगा। माना ये जा रहा है कि इस बार वीवीपैट से चुनाव होने हैं और नई टेक्नोलॉजी को लेकर भी चुनाव आयोग बताएगा किस तरीके के नए इस बार बूथ बनाए जाएंगे, किस तरीके से महिलाओं को सुविधाएं दी जाएंगी और उनके लिए खास होगा जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान में। अब देखना यही होगा कि 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन चुनाव आयोग करता है तो किन किन नई बातों का उल्लेख वो करता है। ब्यूरो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली।